नमस्ते बेटिया, हमेशा खुश रहो। मिस जेवीएन डॉक्टर राकेश शर्मा प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एनएम ऑफ मेडिसिन फैकल्टी ऑफ फार्माकोलॉजी साइंस जेपी विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आवर टुडे लेसन इज चैप्टर 20 रॉबर्ट्स फिलोसॉफी। टॉपिक इज टेम्परामेंट। जैसा कि हमने लास्ट टू लेक्चर्स के अंदर टेम्परामेंट के बारे में बात करी कि टेम्परामेंट क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, हमने देखी पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। द इंडिकेशंस ऑफ कलरिंग आर ऑफन कंसीडर्ड एज सिम्प्टोमेटिक। द पल्सेटिंग ऑफ ब्लॉन्ड ऑफ होम वी हियर सो मच इज फार फ्रॉम ऑलवेज रिक्वायरिंग दैट रेमेडी। द नक्स वोमिका मैन इज नॉट ऑलवेज डार्क, फॉर द डार्क मैन मे रिक्वायर पल्सेटिंग ऑफ एंड द नक्स वोमिका वुमेन इज ऑफन वी कि इसके अंदर टेम्परामेंट ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है मेडिसिन को सेलेक्ट करने का, सिर्फ हमें वो एक तरह से गाइड कर सकता है और कोई काम नहीं है इसका। तो लक्स वोमिका हम डार्क कॉम्प्लेक्शन को या फेयर कॉम्प्लेक्शन को भी हम दे सकते हैं, पल्सेटिल्ला को भी हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम दे सकते हैं किसी पेशेंट को। कंडीशन सिर्फ यही है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हमें दिखने चाहिए, उस मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक में हमें दिखने चाहिए। जैसे कि नक्स वोमिका है वो कुछ एंग्री है, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन है उसके अंदर, एंगर फॉर्म इंटरप्शन है उसके अंदर, वर्कहोलिक है, फास्टिडियसनेस है। तो ये सब चीज़ें हमें उस पेशेंट में दिखनी चाहिए। और सिटिला की जो करेक्टरिस्टिक चीज़ें हैं स्लीपिंग, माइल्डनेस, बार्गेनिंग, ये सब चीज़ें हमें उस पेशेंट में दिखनी चाहिए, तब ये हमारा प्रेस्क्रिप्शन श्योर कन्फर्म होगा, ना कि टेम्परामेंट से हमारा प्रेस्क्रिप्शन कन्फर्म होगा। फार मोर वैल्यूएबल देन इन इंडिकेशंस ऑफ कलरिंग ऑफ इवन ऑफ द स्टेचर आर दोज इंडिकेशंस ऑफ डिस्पोजिशन एंड जनरल सिम्प्टोमेटोलॉजी स्पेशली द मोबिलिटी। These are the indication for our prescription. The next part is very important for us is to evaluate, to understand the mortality part of the person, of the deceased. वो part बहुत important है हमारा medicine को select करने के लिए, क्योंकि इसी से हम symptom को characteristic बना सकते हैं। These are the two indications for our prescription: the faintness and aggravation from closed room, the amelioration from fresh open air are far more indicative of the pulsatilla patient than the blue eyes and fair skin. दूसरा हमें medicine को differentiate करना आना चाहिए general symptoms पे, mental generals पे और physical general symptoms पे। If we can add to these the tendency to weep and the aggravation on consolation, we may think of pulsatilla. Aggravation is amelioration, on consolation we may think of pulsatilla. With same assurance, be the patient man or woman, black or white. As an illustration, a case of hay fever, carefully repertorized, left the balance divided between pulsatilla and nux vomica. The woman, red hair, tall, vigorous, seemed to fall into neither class with any assurance on the part of the physician. So indefinite were the modalities that we expect to mark the two so clearly. Upon inquiry, however, the question of reaction to tears or anger elicited the fact that she never wept until she became thoroughly angry. But she smoldered for some time before she got to that state. The nux vomica side of the balance had the necessary additional weight, and that remedy was prescribed with remarkable success. तो इस पैराग्राफ के अंदर बात ये हो रही है कि कई बार हमारे इसके अंदर डिप्रेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल दो रेमेडीज बिल्कुल सिमिलर आती हैं, दोनों के
ऑलमोस्ट सेम सिम्टम कवर कर रही है, थोड़ा सा ग्रेडिएंट का ऊपर नीचे का हो जाता है, तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी मेडिसिन उसको अपन को देनी चाहिए। तो उसका एक तो फर्स्ट होता है कि पेशेंट की थर्मल्स थ्रस्ट कैसी उसकी, और दूसरा और उस मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और उसके जनरल सिम्टम्स वी कैन फाइंड आउट। जैसे कि आर्सेनिक और मेक्सकोमिका दोनों फास्टिडियस हैं, लेकिन आर्सेनिक की फास्टिडियस रहती है प्रेजेंटेशन को लेकर, सब चीज़ चकाचक रहे घर में साफ सुथरा रहे, मेक्सकोमिका की फास्टिडियस होती है क्वालिटी ऑफ वर्क को लेकर, एफिशिएंसी को लेकर। तो हम इस तरह हर मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। When a remedy is indicated, the symptomatology gives us a basis for our similima regardless of color or type. Symptomatology only gives clear cut indication of the similima. Thus, we may find a so called women's remedy such as CPR distinctly indicated in a man. Some of our older teachers instructed that when a remedy was indicated out of its normal type, it was a double indication that it was needed in that particular case. Double indication का मतलब constitution wise temperamentally हमें CPR की support और उसके characteristic symptoms भी हमें CPR के मिल गए, तब हम बिल्कुल मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर सकते। प्रेस्क्राइबिंग ऑन टाइप्स और टेम्परामेंट्स इज एट बेस्ट ए स्लैक मेथड ऑफ यूजिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ होम्योपैथी। इट इज रियली की नॉट प्रेस्क्राइबिंग एंड देन नॉट ऑन एनी मॉर्बिडिक सिम्टम्स बट ऑन ए जनरल स्टेचर दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। की नॉट्स मे ऑफन गिव अस ए क्लू टू द इंडिकेटेड रेमेडी बट दिस क्लू मस्ट नॉट बी अलाउड टू ओवर बैलेंस आवर जजमेंट इन वेइंग द होल सिम्टम पिक्चर। मतलब ये है कि अगर हम की नॉट प्रेस्क्राइबिंग करते हैं तो वो प्रेस्क्रिप्शन सही नहीं है, उसको हमें नहीं करना चाहिए। हमें होलिस्टिकली पेशेंट को देखना है, ना कि सिर्फ हम एक या दो सिम्टम के मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करना है। द ओनली रियल एविडेंस ऑफ डिजीज कंडीशन इज द डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल द convergence of functions as manifest in mind, body and spirit, the sum total of which provides us with a sound basis for prescription. The basis then in all of our procedure is to find the totality of the morbidic symptom. If we find this, we can meet it through the law of similars with a single indicated potentized remedy. Then we will have clear the patient of the morbific conditions and will leave the personality temperament intact and even guided into a state of healing, their attraction less liable to invasion by morbific influences. This session powered by Digital Version 2.0 of Digital with Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. So, in this lecture, we talk about the temperament and our topic is completely chapter number 20. Thank you.